नमस्कार आप सभी को आज की वीडियो में आपका स्वागत है नॉर्थ सेट सिक्स प्री प्लस मेन की सीरीज़ है ये जिसमें कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है पहले सब्जेक्ट कर रहे हैं और उसका रीजनल सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज और सिस्टम वाइज प्रोसीड करेंगे और एंड तक जो है सारे सिस्टम कम्प्लीट करते हुए हम लास्ट के वन मंथ पूरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो बच्चे अभी से जुड़ जाइए और मैं बोलना चाहूँगी बच्चों को कि अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़े मुझे मोटिवेशन मिले और क्वेश्चंस लेने का और ज़्यादा तादाद में जो है लोगों को फ़ायदा हो और ये जो हमारी नॉर्थ सिक्स की फ़ैमिली है ये इस तरीके से ग्रो करे तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट इस वीडियो में जो है सिनेरियो बेस्ड प्लस इमेज रिलेटेड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं जो कि लास्ट में होंगे तो uh, शुरुआत में हम नॉर्मल क्वेश्चन सिनेरियो स्किल बेस्ड क्वेश्चन से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स एमिली इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग द कार्डियक स्टेटस ऑफ द पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज ई है और उसका कार्डियक स्टेटस जो है मॉनिटर कर रही है कार्डियक मॉनिटर स्टार्ट शोइंग प्री मेचोर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वट इज़ द प्रायरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस सिचुएशन अब जो है प्री मेचोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन दिखा रहा है तो इस कंडीशन में प्रायरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी रेडी द इक्विपमेंट फॉर पोटेंशियल डिफिब्रिलेशन ऑफ द पेशेंट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है फेब्रिलेशनस नहीं है तो डिफेब्रिलेशन वाला ऑप्शन नहीं होगा कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली रिव्यू द मोस्ट रिसेंट लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर पेशेंट्स पोटेशियम लेवल एंड एडमिनिस्टर इंट्रावीनस लिडनोकेन टू द पेशेंट अब ये प्रीमेचोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन पहले ये देख लीजिए कि ये जो लीड वग़ैरह है उसकी गलती की वजह से तो नहीं आ रहा है या पेशेंट का जो लेबोरेट पोटेशियम लेवल है उसको देखेंगे अगर पोटेशियम लेवल गड़बड़ है प्लस ये दोनों चीज़ें आ रही हैं तब फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे पहले क्या रहता है असेसमेंट वाली चीज़ रहती है उसके बाद इन्फॉर्मेशन वाली रहती है तो यहाँ असेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन है सी इज़ द राइट ऑप्शन कि पहले जो है पेशेंट का पोटेशियम लेवल जो रिपोर्ट में रिसेंटली कराया गया है उस पर ध्यान दीजिए अगर वो गड़बड़ है और तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द प्री मेच्योर वेंटिकुलर नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर सिक्सटी ईयर ओल्ड पेशेंट डायग्नोज विद पायलोनेफ्राइटिस एंड सस्पेक्टेड द पेशेंट हैड यूटीआई एंड स्लीप डेप्राइवड हैज़ लॉस्ड वेट ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इंक्लूडिंग एट नाइट अब जो है पेशेंट है एक जो कि पायलोनेफ्राइटिस और सेप्टिसीमिया है उसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं सो नहीं पा रहा है वो बार बार यूरिन करने की वजह से जो है पेशेंट का वेट लॉस भी हो गया है उसकी लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट कर रही है सोडियम बढ़ा हुआ है ऑस्मोलैलिटी इतनी है ग्लूकोस 127 पोटेशियम जो है थ्री पॉइंट नाइन है वट इज़ अ प्रायरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस अब पेशेंट का वेट कम हो रहा है और ये ऑस्मोलैलिटी भी कम जा रही है तो ये क्या साइन शो कर रही है ये इंडिकेट कर रही है फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू कंजर्व वाटर तो यहाँ पे जो है हाइपर दिखाई दे रहा है क्योंकि सारा पानी बॉडी से निकल गया है तो सोडियम का लेवल क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है सोडियम वाटर बैलेंस बिगड़ गया है जिसकी वजह से फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट इन एबिलिटी टू कंजर्व वाटर इज द करेक्ट आंसर हियर ए नेक्स्ट द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट हु हैज जस्ट कंप्लीटेड देयर फर्स्ट सेशन ऑफ हिमोडाइलिसिस शॉर्टली आफ्टरवर्ड द पेशेंट स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस हेडेक एलिवेटेड बी पी रेस्टलेसनेस मेंटल कन्फ्यूजन नोजिया एंड वॉमिटिंग बट कंडीशन इज मोस्ट लाइकली इंडिकेटेड बाई दिस सिम्टम्स अब पेशेंट का हिमोडाइलिसिस हुआ है फर्स्ट सेशन उसके बाद पेशेंट को अचानक से सर दर्द होने लग गया है बी पी बढ़ गया है रेस्टलेसनेस हो गई है कन्फ्यूजन नोजिया वॉमिटिंग तो कौन सी कंडीशन ये शो कर रहा है हाइपर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेरिटोनाइटिस एंड डिसिकुलिब्रियम सिम्टम हिमोडाइलिसिस में पेरिटोनाइटिस का तो कोई चक्कर नहीं होता ठीक है हाइपर भी नहीं है क्योंकि अभी अभी जो है डायलिसिस हुआ है तो हाइपर वाली कंडीशन नहीं रही होगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के ये सिम्टम्स नहीं हैं दिस इज दिस इज डिसिकुलब्रियम सिम्टम्स जब रैपिड जो है बॉडी से वाटर एक्सट्रैक्ट और यूरिमिक टॉक्सिक एक्सट्रैक्ट होने के कारण जो है डिसिकुलिब्रियम सिम्टम्स हो सकता है जिसकी वजह से सारे ये सिम्टम्स आएंगे तो दिस इज डिसक्वलिब्रियम सिम्टम एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस जो कि प्रेजेंट हो सकती है डी नेक्स्ट यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट किडनी ट्रांसप्लांट यू बिकम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन व्हाट सिम्टम वुड अराउज यूर सस्पेंशन अब एक पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो कैसे uh, कैसे uh, थेरेपी देते हैं पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसन ड्रग्स देते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसको क्या ना करे फॉरेन की तरह ट्रीट ना करे फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करे और रिजेक्ट ना कर दे इसलिए इम्यूनिटी को दबा के रखते हैं और ये पेशेंट्स किसके प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं कोई भी ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी लो होगी वो इन्फेक्शन के प्रोन होगा ही तो इन पेशेंट्स को जो है पॉजिटिव आइसोलेशन में रखते हैं मतलब ऐसे जगह पे रखते हैं इनको बचा के रखना है ठीक है तो पॉजिटिव आइसोलेशन रूम में इस तरीके के पेशेंट्स को रखा जाता है अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इंडिकेट कर रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हुआ है ऑप्शन है डिस्कम्फर्टेड सर्जिकल साइट ओवरऑल मैलेज एंड लो बी डिस्कम्फर्ट एज सर्जिकल साइड ओवरऑल फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड साइन ऑफ डिप्रेशन रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट अकम्पनीड बाई लो ब्लड प्रेशर एंड डी एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इनक्रीज इन वेट एंड रिड्यूस्ड यूरिन प्रोडक्शन ये होगा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा जो कि शो कर रहा है कि इम्यूनिटी फाइट कर रही है इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी वेट क्योंकि सारा फ्लूड क्या है रिटेन हो जाएगा किडनी नहीं निकाल पाएगी एंड रिड्यूस्ड यूरिन प्रोडक्शन जो है हो प्रेजेंट होगा तो डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट डायग्नोज विद एक्ट रीनल फेलियर ही नोट्स दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल द नर्स वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रवलेंट कॉज ऑफ हाइपर टेंशन इन कंटेक्सट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर वट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन होती है ठीक है किडनी वाली कंडीशन में क्यों होती है हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन का सीधा रिलेशन किस से है हाइपर वॉलेमिया से है जब बॉडी में फ्लूइड लेवल बढ़ेगा तो वो फ्लूड क्या करेगा जो हमारी ब्लड uh, वेसल्स है उसके वॉल पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने के कारण क्या होगा हाइपरटेंशन होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा डी रहेगा कि एक्सेसिव फ्लूड वॉल्यूम है बॉडी में जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपर वाले सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे डी नेक्स्ट द नर्स इज सींग हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट वेन ही नोटिस दैट शीड शी स्टार्ट टू बिकम एजिटेटेड

इस तरीके के सिम्टम्स ये क्या शो कर रहे हैं डिसक्वलीब्रियम सिम्टम्स शो कर रहे हैं ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ लैंग्वेज चेंज है अब आप कंफ्यूज ना हो ये डिसिक्वलिब्रियम सिम्टम सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं तो यहाँ पे पेशेंट जो है डिसिक्वलिब्रियम सिंड्रोम जो है वो फेस कर रहा है इन्फेक्शन वाली कंडीशन नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन होता तो क्या होता फीवर होता एंट्रेपमेंट ऑफ एयर होता तो एम्बोलस वाले सिम्टम आते हैं वो नहीं है एक्यूट हीमोलाइसिस के सिम्टम्स क्या है ब्लड में यूरिन होना ये सब कुछ होना ये सारी चीज़ें भी यहाँ नहीं हैं तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा दिस इज डिसक्वलिब्रियम सिम्टम ए द नर्स इज क्राफ्टिंग अ केयर प्लान फोकस्ड ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ रिस्क फॉर इन्फेक्शन विद दिस पेशेंट हैज रिसेंटली अंडरगोन किडनी ट्रांसप्लांट वट वुड बी द अप्रोप्रिएट गोल टू सेट फॉर दिस पेशेंट अब एक पेशेंट है जिसको रिस्क फॉर इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट का अप्रोप्रिएट गोल क्या होगा मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड हैव कल्चर्स डेट्स शोज नो इन्फेक्शन वर्क टूअर्ड्स सीजिंग ऑफ साइक्लोस्पोरिन एज एक्सपेंडेडली एज सेफ देन रिज्यूम यूजल फ्लूड कंजप्शन विद इन फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स एंड रिटर्न टू नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ टू टू थ्री पोस्ट सर्जरी थ्री वीक्स पोस्ट सर्जरी अब जो है यहाँ पे जो गोल रहता है वो रहता है इन्फेक्शन ना होना किस चीज़ से इंडिकेट हो रहा है बॉडी टेम्परेचर से तो अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा और कल्चर में कोई इन्फेक्शन नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली क्या है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लो होगा तो इस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से रिलेटेड ये चीज़ होगी यहाँ पे बाकी चीज़ जो है इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रही हैं तो वो सारे ऑप्शन नहीं होंगे ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट इज द नर्स जचरी इज़ प्रिपेयरिंग मेडिकेशन एजुकेशन फॉर द पेशेंट डायग्नोज विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड प्रस्क्राइब फेनाजोपायरेडीन पायरेडियम विच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड नर्स इंक्लूड इन द मेडिकेशन टीचिंग ये एक जो है यूरिनरी एनालिसिक के तौर पर यूज़ होती है ये दवाई ठीक है ये एंटीबायोटिक नहीं है एंटीबायोटिक कोर्स के साथ जो पेन वाले सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए यूज़ होती हैं इस दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है कि वो यूरिन को जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का कर सकती है तो ये पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि डरने की बात नहीं है इससे जो है यूरिन का कलर चेंज हो सकता है और ये मेडिकेशन सिर्फ क्या करती है सिम्टम्स को एलिविएट करती है सिम्टम्स को रिलीव रिलीव करती है जो एक्चुअल कोज है उस पर काम नहीं करती है एक्चुअल कोज के लिए हमें क्या देना होता है एंटीबायोटिक कोज देना होता है यहाँ पैरेडीन के लिए पूछा गया है तो ये ए आंसर होगा नेक्स्ट द डेविड डायलिसिस नर्स इज प्रिपेयरिंग 54 फोर ईयर ओल्ड पेशेंट विथ हीमोडायलिसिस पेशेंट हैज़ फंक्शनल ए वी फिस्टूला इन प्लेस वट शुड द नर्स प्रायरटाइज टू एंश्योर द पेटेंसी ऑफ फिस्टूला फिस्टूला ए वी फिस्टूला होता है आर्टेरियोवीनस फिस्टूला जहाँ पे आर्टरी और वेन को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है ताकि जो ब्लड है वो इजीली और अच्छी मात्रा में जो है वो फ्लो हो सके तो डायलिसिस के लिए इस साइट का यूज़ करते हैं उसकी पेटेंसी बरकरार रहनी जरूरी है और ख़राब नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है अप्लाई या वॉर्म कंप्रेस कभी भी कोई वॉम और कोल्ड कंप्रेस जो उस जगह पे अप्लाई करने के लिए नहीं बोलते हैं अस्कल्टेड द एवी फिस्टूला फॉर ब्रूट एंड पालपेट फॉर थ्रिल ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हिमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले उसको हम ब्रूट साउंड और एक थ्रिल जैसे पानी पाइप से निकलता है इस तरीके की सेंसेशन वहाँ पे वाइब्रेटिंग सेंसेशन फील होती है तो यहाँ अस्कल्टेट करके देखना है एलिवेट द एक्सट्रीमिटी करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बोलस ऑफ सलाइन टू द आई व्यू फिस्टूला इज नोट फॉर द पिटेंसी पिटेंसी हमें हमेशा फिस्टूला की ये बताता है ब्रूट एंड पालपेट एंड थ्रिल जो है उसमें प्रेजेंट है बी nurse melissa is caring for a patient with renal failure and ordered to administer caxilate she understands that this medication has specific role in managing the complication associated with renal failure what is the primary purpose of this caxilate caxilate is hamesha किस चीज़ के लिए पोटेशियम एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होता है जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तब कैगिलेट अनिमा या कैक्लेट सॉल्यूशन जो है पेशेंट्स <coughs> को दिए जाते हैं और रीनल फेलियर पेशेंट्स में हमेशा क्या होता है हाइपर होता है पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में तो ये इसका क्या पर्पज़ रहेगा टू काउट्रैक्ट कॉन् कॉन्स्टिपेशन टू लोअर एलिटेड सिरम फोस्पेट कंसेंट्रेशन टू रेक्टिफाई बेस इम्बेल एंड टू स्वैप पोटेशियम आइन इसका फंक्शन रहता है पोटेशियम आइन को स्वैप करना सोडियम के बदले तो डी इज द राइट आंसर है नर्स इज अटेंडिंग सेमिनार और प्रिवेंटिंग यूटीआईन हॉस्पिटलाइज पेशेंट द स्पीकर आज द ऑडियंस विच फैक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ यूट इन हॉस्पिटल सेटिंग वट इज द मोस्ट लाइकली एक्शन आंसर एक पेशेंट हॉस्पिटल्स uh, में जो सबसे प्रवेलेंट नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नोजोकोमियल uh, इन्फेक्शन क्या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मैंने ये बोला है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कि पेशेंट अपने घर से तो कोई और बीमारी लेके आया था लेकिन हॉस्पिटल में आके उसको ये हो गई है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन और यहाँ पे कौन सा लाइकली कॉज होता है यूटीआई होने का हॉस्पिटल सेटिंग में इनएडिकुएट फ्लूड इंटेक इम्यूनोसप्रेस्ड स्टेट इन सफिशियंट हाइजीन इन द यूज़ ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर यहाँ जनरली जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे कैथेटराइजेशन वगैरह मोस्टली करते हैं पेशेंट्स की तो उस कारण जो है पेशेंट को यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो यूज ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर इज द मेजर कॉज डी नेक्स्ट द नर्स इज अटेंडिंग अ थर्टी ईयर ओल्ड वुमेन हु इज अंडरगोइंगमोडायलिसिस लीजा हैज़ एन इंटरनल आर्टेवेस फिस्टूला इन आर्म फॉर वेस्कुलर एक्सेस एमिली वॉन्ट्स टू टेक मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एवी फिस्टूला वट एक्शन शुड एमिलेट एट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द फिस्टूला अब एक पेशेंट है उसका फिस्टूला बना हुआ है और नर्स को ऐसा क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि जो है आ, फिस्टूला को इंजरी ना हो ऑप्शन ए नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रो, प्रोवाइडर ए ब्रुल और थ, आ, ब्रूट और थ्रिल इज डिटेक्टेड ब्रूट और थ्रिल इज नॉर्मल फाइंडिंग इट शुड बी डिटेक्टेड तो नोटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है हटाएंगे ऑप्शन Intravenous line proximal to the location of AV fistula, उस आम पे कोई भी प्रिक नहीं करना है फील फॉर द पल्स डिजल टू दर्टेर साइट ये भी उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है उसको प्रिवेंशन में हेल्प नहीं करेगा डी रहेगा कि कभी भी उस आम से हम बीपी ब्लड ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं पेशेंट को भी बोलना है इन्फॉर्म करना है कि आ, आपको हमेशा इस आम को सुरक्षित रखना है यहाँ से कोई भी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए डी नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पैराप्लेजिक पेशेंट हु हैज़ डायग्नोज विद रीनल कैलकुलाई सारा इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैलकुलाई बट फैक्टर इज लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एक पेशेंट है पैराप्लेजिक पैराप्लेजिक पेशेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा बेड रिडन होगा और जब बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं जब बेड रिडन है या लॉन्ग टर्म बेड पे लेटे रहते हैं तो उसके कारण जो है एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती कोई एक्टिविटी नहीं होती और उस टाइम पे क्या हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट कौन से होते हैं बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हो होने के कारण क्या है हाइपर कैल्सिमिया हो जाएगा मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और बोन्स में क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है तो ये सिस्टम चलता है तो यहाँ पे उसको क्या रहा होगा रीनल जब ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा रीनल कैलकुलाई फॉर्म हो जाएंगे ठीक है क्योंकि रीनल कैलकुलाई मोस्टली क्या है कैल्शियम से बने हुए स्टोन्स होते हैं तो यहाँ इसका कारण क्या रहा एनहेंसड लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम ड्यू टू द इनएक्टिविटी इज द कोज बी नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू द स्टेज ऑफ एक्यूट रिनल फेलियर वट साइन वुड इंडिकेट दैट हर पेशेंट इज इन सेकेंड फेज ऑफ एक्यूट रिनल फेलियर एक्यूट रिनल फेलियर जो है तीन स्टेजेस में होता है पहली होती है ओलीग्यूरिया ओलिग्यूरिया का मतलब है लेस देन फोर हंड्रेड एम एल यूरिन आउटपुट दूसरी स्टेज होती है डाय यूरेसिस में जो वॉल्यूम uh, है वो इंक्रीज हो जाता है तीसरी होती है रिटर्न टू द नॉर्मल सी नॉर्मल की तरफ जो है रिटर्न हो जाता है तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज है वो डायूरसिस है मतलब यूरिन का बहुत ज़्यादा बढ़ना तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट उसको सपोर्ट कर रही है डेली यूरिन आउटपुट डबल्स स्टेबलाइजेशन ऑफ किडनी फंक्शन डेली यूरिन आउटपुट लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड होता है तो हम क्या बोलते हैं एन्यूरिया बोलते हैं एबसेंस ऑफ यूरिन यूरिन प्रोडक्शन लेस देन फोर हंड्रेड इसको हम बोलते हैं ओलिगूरिया यहाँ पे सेकंड फेज की बात हुई है सेकंड इज डायूरेसिस तो ऑप्शन ए इसको सपोर्ट uh, कर रहा है डायूरेसिस को डेली यूरिन आउटपुट जो कि डबल हो गया है ए नेक्स्ट द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग ऑफ मिस्टर जॉनसन हु हैज जस्ट अंडरगोइंग प्रोस्टेक्टमी वट कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर इमीडिएट एंड प्रायरिटी असेसमेंट यहाँ इमीडिएट और प्रायोरिटी की बात है ऑप्शन ए सिम्टम ऑफ यूरिनरी रिटेंशन अर्ली इंडिकेशन ऑफ निमोनिया ऑनसेट ऑफ डी बी टी एंड साइन ऑफ हेमरेजिक और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है वो कैसा होता है हाईली वेस्कुलर होता है और उसको उसमें चांसेस होते हैं आफ्टर सर्जरी हेमरेज होने के या एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के तो डी करेक्ट आंसर होगा कि इसको इन्फॉर्म करना है और इसको असेस करना है साइन ऑफ हेमरेज और एक्सेसिव ब्लीडिंग नेक्स्ट द नर्स इज कंडक्टिंग अ फॉलो विजिट इन आउट पेशेंट क्लिनिक फॉर अ पेशेंट हु रिसेंटली रिसिव किडनी ट्रांसप्लांट द पेशेंट रिपोर्ट डिस्कवरिंग अ लम्प इन द ब्रेस्ट वट शुड नर्स डू रिगार्डिंग द ट्रांसप्लांट रेसिपेंट एक पेशेंट है जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको अभी लंप मिला है ब्रेस्ट में ठीक है तो कौन सा जो नर्स कंसिडर करेगी ऐसा होना ऑप्शन ए एट अ लोअर लाइटलीहुड फॉर डेवलपिंग कैंसर दिस दस द लम्ब इज प्रोबेबली नॉन मेलिग्नेंट एट अ हाइटेंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ओवरवेलम्ड विथ एंग्जाइटी एंड द मोर प्रोंटो ट्यूमर फॉर्मेशन इन पेशेंट्स की हमेशा कैसे होती है साइक्लोस्पोरिन जनरली हम क्या देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं तो इम्यूनिटी लो होती है जिसकी वजह से ये कैंसर या दूसरे ट्यूमर होने के हाइयर रिस्क पे होते हैं तो बी राइट आंसर होगा वो चीज़ दिमाग में सोचेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है इम्यूनिटी लो है सारे इन्फेक्शन जल्दी कैच करेगा इंक्लूडिंग कैंसर तो बी राइट आंसर होगा Next, the nurse is working with a patient who may need to need to who may need to transition to continuous peritoneal dialysis. Before making any recommendation, she needs to evaluate whether the patient meets certain criteria to be eligible for this treatment option. What is the required criteria for the patient to be considered for continuous peritoneal dialysis? A peritoneal dialysis, hemodialysis ke ज़्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में एकदम से फ्लूड नहीं निकलता हिमोडायलिसिस में सारा फ्लूड एकदम से बाहर निकल जाता है तो डिसिकलेब्रियम सिम्टम सिंड्रोम वगैरह होने के चांसेस वहाँ हैं यहाँ नहीं है तो कुछ कुछ पेशेंट्स को जो है सी बी डी कंटिन्यूस पेरिटोनियल डायलिसिस पे रख देते हैं जो हिमोडायलिसिस बियर नहीं कर सकते तो कंटिन्यूस पेरिटोनियल डायलिसिस होने के लिए क्या क्राइटेरिया है ऑप्शन ए प्रीवियस अटैम्प्टमोडायलिसिस मस्ट हैव बीन अनसक्सेसफुल बी द पेशेंट नीड टू हैव स्टेबल हिमोडाइनमिक पैरामीटर सी द पेशेंट मस्ट हैव सीवियर पल्मोनरी एडिमा एंड डी द पेशेंट वेस्कुलर असस नीड्स टू भी फुली ही यहाँ पे पेशेंट को जो है स्टेबल हिमोडाइनमिक कोई भी चीज शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए स्टेबल फैक्टर्स होने चाहिए तभी जो है उस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं हीमोडा हीमोडायलिसिस वगैरह अनस्टेबल भी होते हैं पैरामीटर तब भी इनिशिएट कर देते हैं लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसको प्रोसीड करने के लिए जो ब्लड फैक्टर्स हैं हीमोडाइनमिक फैक्टर्स हैं उनको स्टेबल होना जरूरी है बी नेक्स्ट एटीन ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल प्रेजेंटिंग विद डार्क यूरिन फीवर एंड फ्लैंक पेन आफ्टर डायग्नोसिस द स्टूडेंट इज डायग्नोज विद एक्ूट ग्लोमरोलोन एफराइटिस वट हेल्थ हिस्ट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट एक्ूट ग्लोमरोलोन एफ्राइटिस है ये एक्यूट ग्लोमरोलोन एफराइटिस में आर बी सी के टूटने से आर बी सी ब्रेक होता है वहाँ पर जिसकी वजह से ब्लड इन यूरिन और डार्क यूरिन प्रेजेंट हो सकता है फ्लैंक में पेन होगा तो कौन सी हिस्ट्री होगी ऐसे में एक्यूट ग्लोमरोल एफ्राइटिस में हमेशा जो है सोर थ्रोट या थ्रोट खराब होने की हिस्ट्री हम लेते हैं क्योंकि थ्रोट में ही जो है बीटा हीमोलाइटिकेप्टोकॉक स्ट्रेप्टोकोकाई जो एजेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आगे जाके ग्लोमेरोलोन एफराइटिस के लिए तो बी राइट आंसर होगा रिसेंट एपिसोड ऑफ सोर थ्रोट नेक्स्ट द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट हु प्रेजेंट विद इंटेंस पेन ऑन राइट साइड ऑफ लोअर बैक नोजिया वोमिटिंग एंड रेस्टलेसनेस जो पेशेंट है वो पेल है स्वेट कर रहा है वाइटल साइंस है बीपी 140 90 पल्स 118 रेस्पिरेशन थर्टी थ्री एंड टेम्परेचर नाइन्टी एट बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव डाटा देखिए दो तरीके के डाटा होते हैं सब्जेक्टिव होता है जो पेशेंट बोलता है ठीक है विद द पेशेंट सीज और ऑब्जेक्टिव ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ओ फॉर ऑब्जेक्टिव तो ओ oh होता है जो कि हम देखते हैं असिस्ट करते, है, करते, है, करते हैं ठीक है ऑब्जर्व करते हैं असिस्ट करते हैं देट इज़ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यहाँ सब्जेक्टिव सिम्टम्स पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो सजेस्ट कर रहा है कि रीनल कैलकुलाई हो सकता है यूरिन दैट इज डार्क इन कलर एंड प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट्स, पेन दैट एक्सटेंड डाउन द राइट अब एरिया द हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरिंग माइल्ड सिम्टम्स ऑफ फ्लू एंड वॉमिटिंग दैट रिजेंबल्स कॉफी ग्राउंड इन कलर कॉफी ग्राउंड की वॉमिटिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे यूरिन जो कि डार्क और लो अमाउंट का होगा वो सजेस्ट करता है रीनल कैलकुलाई क्योंकि रीनल कैलकुलाई जनरली यूरेटर में अगर फंस जाता है तो यूरेटर को क्या कर देता है ब्रेड कर जाता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है जिससे कलर जो है यूरिन का वो डार्क होगा और अमाउंट भी उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण कम होगी तो लो अमाउंट्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगी ए नेक्स्ट नर्स इज फॉर्मुलेटिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट द प्रायोरिटी डायग्नोसिस एक पेशेंट है ई एस पेशेंट का हमेशा क्या रहता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रहता है उनका प्रायोरिटी डायग्नोसिस भी यही रहता है तो ए राइट आंसर होगा क्योंकि बॉडी क्या नहीं कर पाती है यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है तो सारा फ्लूड बॉडी में एक्ूमुलेट होने के कारण एक्सेसिव फ्लूड वॉल्यूम विल बी द डायग्नोसिस नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर द पेशेंट हु हैज बीन रिसेंटली डायग्नोस्ड विद एक्यूट ग्लोमरोलन एफ्राइटिस बेस्ड ऑन डायग्नोसिस बट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन द नर्स एक्सपेक्ट टू सी इन मिस हैरिस और द पेशेंट अब जो एक्यूट ग्लोमोलन के जो साइन होते हैं चिल्स एंड पेन इन द एरिया बिटवीन रिप्स एंड हिप्स दैन इंक्रीज थर्स एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पेनफुल यूरिनेशन एंड लो बी पी रिड्यूज यूरिन आउटपुट एंड जर्नलाइज स्वेलिंग ये प्रेजेंट होता है क्योंकि जो ग्लोमरुलाई है फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं उनका डैमेज होने से कोई वाटर नहीं फिल्टर होगा जिसकी वजह से एक्यूमुलेट होने से स्वेलिंग प्रेजेंट होगी और यूरिन आउटपुट तो रिड्यूस होगा क्योंकि वो जा ही नहीं पा रहा है बाहर तो डी राइट आंसर हो नेक्स्ट फाइल अटेंडिंग टू मिसेस जॉन्स हु इज करंटली इन कर फेज नर्स व्हाट लेवल ऑफ यूरिन आउटपुट इज प्रेजेंट इन 24 फोर आवर्स ओलिग्यूरिया की डेफिनेशन पूछ लिया घुमा फिरा के ओलीग्यूरिया बोलते हैं जब लेस देन 400 हंड्रेड एम एल यूरिन फोर हंड्रेड एम एल यूरिन जो है ट्वेंटी फोर आवर्स में प्रेजेंट पास हुआ हो तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन होगा लेस देन फोर हंड्रेड एम एल नेक्स्ट अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ टीचर टीचिंग प्लान फॉर द पेशेंट डायग्नोज सिस्टाइटिस जिसको कि पायरेडियम मिल रही है पायरेडियम अभी हमने देखा था क्या है वो एनालजेसिक की तरह एक्ट करती है नर्स वॉन्ट्स टू इंक्लूड असेंशियल गाइडेंस फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द मेडिकेशन वट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द केयर प्लान अब ये कैसी मेडिकेशन एक, एक एनाजिटिक है उसको ध्यान में रखते हुए देखिए कॉन्टेक्ट द फिजिशियन इफ यूर ऑरेंज बिकम यूरिन बिकम रेड कलर ये तो होगा ही ठीक है मैंने बताया था आपको कि इसका साइड इफेक्ट कह लीजिए इफेक्ट कह लीजिए यूरिन का कलर चेंज करती है एडमिनिस्टर फिनोपैरिडन इमीडिएटली प्रायर टू तो यूरिनेट टू तो एलिवेट द सिम्टम्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ठीक है सी इज टेकिंग एज सुन एज द सिमटम रिलीज यस ये करना है क्योंकि अननेसेसरी कोई भी दवाई नहीं लेनी है ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है जो इसका कोर्स पूरा करना है ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है तो जब सिम्टम्स आने हैं तभी लेनी है अदरवाइज इसको छोड़ देना है बंद कर देना है तो सी इज़ द राइट आंसर ये नेक्स्ट द नर्स इज वर्किंग ऑन रीहेबिलिटेशन प्लान फॉर द पेशेंट हु हैज न्यूरोजेनिक ब्लैडर विच एक्शन शुड बी कंसिडर द मोस्ट क्रिटिकल वेन अंडरटेकिंग ब्लैडर ट्रेनिंग अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर है न्यूरोजेनिक ब्लैडर जनरली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो जाता है जब जो है सेंसेशन ही नहीं फील होती तो उस केस में क्या करना है एस्टेब्लिश डेजिग्नेटेड टाइम फॉर ब्लैडर रैमटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कि टाइम के अकॉर्डिंग यूरिनेट करना है क्योंकि उनको सेंसेशन नहीं फील होती तो टाइम फिक्स कर देना है कि इस टाइम पर यूरिनेट करना है इस टाइम पर ताकि जो बेड बैटिंग वगैरह वाली कंडीशन है वो ना हो तो ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद यी हुज ए वी फिस्टूला वट इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन द पेशेंट प्लान ऑफ केयर ए वी फिस्टूला है तो क्या इंक्लूड करना है मेंटेन द हेड ऑफ द बेड हेड ऑफ द बेड एलिवेट करने का इसमें कोई कारण नहीं है इसका अप्लाई कंसिस्टेंट प्रेशर टू द नीडल साइड देन अप्लाई एलिवेट द लेफ्ट आर्म फॉर थर्टी मिनट एंड कीप द लेफ्ट आर्म कम्प्लीटली ड्राई यहाँ पे जब एकदम से हम हटाते हैं ना निडल मोटी बीबल की निडल होती है तो बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं तो uh, मोटे ड्रेसिंग पैड से वहाँ पे हमें प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है प्रेशर अप्लाई करके रखना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग ना हो तो बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेशेंट हू रिसेंटली हैड ए बी फिस्टूला शी नो इट्स क्रिटिकल टू इट्स क्रूशल टू रेगुलरली असैस फॉर पिटेंसी, वट इज द बेस्ट मेथड फॉर एमली टू चेक द पिटेंसी, पिटेंसी चेक करने के लिए क्या करना है कि पेशेंट को क्या सिखाना है कि पेटेंसी घर पे भी चेक करते रहना है फिस्टुला के ऊपर पूरी लेंथ के ऊपर जगह जगह हाथ रख के देखना अगर थ्रिल वाइब्रेशन सेंस प्रेजेंट है इसका मतलब ये नॉर्मल है तो ए राइट आंसर होगा जो पेशेंट के टीचिंग प्लान में इंक्लूड करना है नेक्स्ट नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हैज़ बीन व्हील्ड बैक फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर जिसको एबडोमनल आयोटिक एनोरिज्म था शी इज़ विजिलेंट फॉर द साइन ऑफ पोटेशियम रीनल फेलियर एक्यूट रीनल फेलियर के साइन के लिए उसको देखना है वट सिम्टम्स शुड अलर्ट नर्स टू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एक्यूट रीनल फेलियर के साइन के लिए देखना है तो इनमें से देखिए बावल मूवमेंट ये रीनल से रिलेटेड नहीं है एब्सेंस ऑफ यूरिन एंड नोजियान वोमिटिंग ओलिगूरिया यहाँ कंप्लीट एबसेंस एकदम से तो नहीं होगी ओलिगूरिया वाले साइन अगर प्रेजेंट हैं इसका मतलब कि वो रीनल फे एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन हो गई है तो डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट द नर्स इज एवेल्यूएटिंग अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई टू कंफर्म द डायग्नोसिस द नर्स पेस क्लोज अटेंशन टू द सब्जेक्टिव सिम्टम सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट बताएगा विद सिम्ट वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ यू टी आई इनमें से कौन सी चीज़ जो है यू टी आई को सपोर्ट कर रही है आई कैन गो फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज विदाउट फीलिंग द नीड टू यूरिनेट ऐसा नहीं यू टी आई में तो फ्रीकुंट यूरीनेशन uh, की सेंसेशन होती है आई एक्सपीरियंस बर्निंग सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन इज द वेरी कीवर्ड जो कि की प्रेजेंट होता है हमेशा और हमेशा यू में तो ये इसको सब्जेक्टिव डाटा है जो पेशेंट बोल रहा है और यूटीआई को सपोर्ट कर रहा है बी आइडेंटिफाई द इमेज ये इमेज देखिए इसको बोलते हैं मेल मेटलिक कैथेटर ये जनरली जो है सिल्वर और सिल्वर uh, कोटिंग का प्रेजेंट होता है सिल्वर से प्रेजेंट बना हुआ होता है और ये उन पेशेंट्स में जिनको लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन की ज़रूरत होती है और बार बार जो है हमें कैथेटर नहीं बदलना होता तो उनमें हम ये यूज़ करते हैं मेटलिक कैथे, कैथेटर जिनको प्रोलॉन्ग बेड बेड पे पड़ा रहना है पेशेंट को और उनको प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन की ज़रूरत है तो जनरली हम कई बार डाल देते हैं ये एक डेढ़ महीने तक जो है रिटेन रहता है उसके बाद इसको एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी चेंज करना होता है नेक्स्ट दिस इज ये देखिए ये इमेज है इसको बोलते हैं मेलेकॉट कैथेटर ये जनरली जब हम रीनल सर्जरीज के बाद जो है ड्रेन करने के लिए है हम कैथेटर डालते हैं जो जो भी ड्रेनेज है उसके लिए सो so, दिस कैथेटर इज़ नोन एज मेलेकॉट कैथेटर एंड ये रीनल सर्जरीज में आफ, आफ्टर सर्जरी ड्रेन करने के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज यहाँ पे देखिए ये किडनी में हम किडनी के पाइलोरस वाले पार्ट में कैथेटर डाल रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर है नेफ्रोस्टोमी नेफ्रोस्टोमी में हम किडनी में कैथेटर डाल के यूरिन को बाहर निकालते हैं तो ये प्रोसीजर है नेफ्रोस्टोमी ये देखिए ये प्रोसीजर ये मशीन है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ब्लड निकल रहा है दिस इज हीमोडायलिसिस मशीन और जो प्रोसीजर हो रहा है ये हो रहा है हीमोडायलिसिस इन एंड स्टेज रीनल डिजीज और जहाँ पे किडनी uh, फंक्शन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे ये प्रोसीजर किया जाता है तो बी uh, जो ये uh, यहाँ पे प्रोसीजर uh, हो रहा है दैट इज़ हीमोडायलिसिस सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे आई होप आपको क्लास पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और एक क्योंकि यहाँ पे जो uh, क्लासेस हो रही हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं सिस्टमेटिक तरीके का मतलब है कि सिस्टम वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपके सारे एम करके हम फाइनली जाएंगे कॉम्प्रीहेंसिव मतलब सारे सब्जेक्ट के एम साथ में लेंगे थैंक यू